हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ऑटो ट्रेड हब। सीसी क्लाइंट को क्वेश्चन था कि मैं सर्वर पे वीपीएस पर मल्टीपल टर्मिनल कैसे रन कर सकता हूँ। ओके, तो ये डाउट था, तो यही डाउट मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें हमारे वीपीएस में लॉग इन करने के लिए सर्च पे क्लिक करना है और रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन में जाकर लॉग इन करना है। तो चलो मैं लॉग इन करता हूँ। जैसे मैंने लॉग इन कर लिया तो मुझे एक एप्लीकेशन दिखेगा जो मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा हूँ, जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है जो मैंने पहले इंस्टॉल करके रखा हूँ, वो ट्रेडिंग एप्लीकेशन मुझे यहाँ पे दिखेगा। ये देखिए, मेटा ट्रेडर फॉर एक्सनेस। तो फिर मुझे क्या करना है, ये अगर प्लेटफॉर्म ओपन रहेगा तो भी चलेगा, इसे मिनिमाइज कर देना है सिर्फ। हमें क्या करना है, जो हमारा मेटा ट्रेडर 4 एप्लीकेशन जो डेस्कटॉप पर है आइकॉन, उस पर राइट क्लिक करना है। जैसे ही हम राइट क्लिक करेंगे तो हमें ओपन फाइल लोकेशन पर जाकर उसका जो फाइल है, जो प्रोग्राम फाइल्स 86 के अंडर मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस है, करेक्ट, तो हमें प्रोग्राम फाइल्स x86 पर क्लिक करना है। ओके, तो जैसे ही मैं प्रोग्राम फाइल्स x86 के अंदर जाता हूं तो मुझे दिखेगा मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस फाइल है, फोल्डर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पर राइट क्लिक कर कॉपी कर लेना है। ओके, और कॉपी कर मुझे सेम यही पर ही पेस्ट कर देना है। कंटिन्यू। ओके, तो आपको यहाँ पे दिखेगा मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस और मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस का कॉपी। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, मेटा ट्रेडर 4 एक्सनेस कॉपी को ओपन करना है। ओके, और यहाँ पे जो टर्मिनल ऑप्शन है, यहाँ पे दो टर्मिनल दिखेगा हमें, जो टर्मिनल ऑप्शन है एप्लीकेशन। ओके, जो एप्लीकेशन है उस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके हमें सेंड टू डेस्कटॉप करना है। ओके, जैसे ही हम सेंड टू डेस्कटॉप करेंगे हमें वो टर्मिनल आइकॉन डेस्कटॉप पे दिखेगा। ये देखिए, यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, तो हमें अभी क्या करना है, इस पॉपअप बॉक्स को क्लोज कर देना है। जैसे ही हम क्लोज कर देंगे हमें फिर टर्मिनल शॉर्टकट पे आना है, उस पर राइट क्लिक करना है और प्रॉपर्टीज में जाकर इसका आइकॉन चेंज कर देना है। ओके, तो मैं आइकॉन चेंज कर देता हूँ इसका। तो हमें जाना है This PC, program files 86, then XNES copy file में जाना है हमें, ना ही कि main XNES file में, हमें copy में जाना है। copy में जाकर हमें ये जो terminal icon जो दिख रहा है अभी icon, इसे select करना है, double click करना है, double click करके okay कर apply कर देना है। ओके, अप्लाई करके ओके। तो अभी देखेंगे, हमें यहाँ पर टर्मिनल शॉर्टकट का ऑप्शन बन गया है और ये नया एप्लीकेशन रेडी हो गया है, तो हम इसे यूज कर सकते हैं। तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे रीनेम कर देता हूँ ऑटो ट्रेड हब -1। ओके, जैसे ही हमारा प्लेटफॉर्म कॉपी हो जाता है और हम उसे रीनेम कर देते हैं तो हमें सिंपली जाके इसे ओपन करना है। तो नया विंडो ओपन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नया विंडो ओपन हो गया है। तो हम टेस्ट करने के लिए एक डेमो अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं। ओके, तो चलो एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डेमो अकाउंट लॉगिन हो चुका है और ये जो है ये हमारा रियल अकाउंट है। ओके, तो दोनों प्लेटफॉर्म, दोनों अकाउंट एकदम स्मूथली रन हो रहे हैं, इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आ रही है, देखेंगे आप। ओके, तो दोनों प्लेटफॉर्म यहाँ पे लॉग इन हो चुके हैं। तो अभी हमें अगर सर्वर से लॉग आउट करना है तो हमें यहाँ से लॉग आउट करना है। और अगर आपको कुछ डिफिकल्टी आ रही है, अगर मुझे ये क्लोज करना है या यहाँ पे क्लोज करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, ये जो ट्रेडिंग एप्लीकेशन है उसे मिनिमाइज कर देना है। अगर मिनिमाइज भी रहता है तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन रन होता है। ओके, तो कभी कभी गलती से क्लाइंट्स के मिस्टेक ये हो जाती है, ये यहाँ पर क्लोज करने से अच्छा, सर्वर क्लोज करने से बजाय वो
प्लेटफॉर्म क्लोज कर देते हैं और प्लेटफॉर्म ट्रेडिंग रन ही नहीं होती है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्लेटफॉर्म मिनिमाइज कर देना है और इसे क्लोज कर देना है। सर्वर VPS लॉग आउट हो जाएगा और हम इसे फिर से एक्सेस कर सकते हैं। ये जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन है, इसका एप्लीकेशन किसी सिस्टम में होता नहीं है, तो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर आपको किसी तरह की क्वेरीज डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का आंसर ज़रूर करेंगे, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसमें भी हम आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। मैं व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो फिर आप इजीली उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, तो फिर हम उसमें डेफिनेटली रिसर्च करके आपको इजिएस्ट वे में उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप बिल्कुल लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।